आओ देश का सम्मान करें, आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत को एक बार फिर से याद करें, जो कुर्बान हो गए हमारे देश पर उन्हें सर झुकाकर सलाम करें, उन्हें सर झुकाकर सलाम करें। सुप्रभात, मैं विनायक कक्षा नवी का छात्र आपके समक्ष 1971 में हुई भारत पाकिस्तान की जंग पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष था। इसका आरंभ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के चलते 3 दिसंबर 1971 को हुआ। इस युद्ध की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार रही। पूर्वी पाकिस्तान में स्थापित प्रभावशाली बंगाली लोगों एवं पाकिस्तान के 4 प्रांतों में बसे बहुजाति पाकिस्तानी लोगों के बीच राज्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे मुक्ति संघर्ष ने इस युद्ध में चिंगारी का काम किया। पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान की भौगोलिक दूरी भी अत्यधिक थी, जो बंगाली एवं पाकिस्तानी संस्कृति के राष्ट्रीय एकीकरण के प्रत्येक प्रयास में बाधा बनती थी। 1971 के चुनावों में आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान भारी बहुमत से जीते, परंतु उस समय की यह मान्यता थी कि बंगाल का निवासी पाकिस्तान की राष्ट्र गद्दी पर विराजमान नहीं हो सकता। इसी कारण शेख मुजीबुर रहमान को कैद कर लिया गया और उसकी जगह जनरल टिक्का खान को पाकिस्तान भेजा गया। टिक्का खान ने वहां बहुत कहर मचाया। उसने लगभग 1 करोड़ लोगों को भारत भेज दिया, जिससे पाकिस्तान की मुसीबत भारत की मुसीबत बन गई। भारत ने उनसे बहुत अनुरोध किया कि इन लोगों को वापस पाकिस्तान बुला लिया जाए, परंतु उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और 3 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमला कर दिया। परंतु भारत को इस हमले का पहले से ही अंदाजा था, इसी कारण उसे इसका अधिक नुकसान नहीं पहुंचा, जिसके फलस्वरूप भारतीय सेना बंगाली राष्ट्रवादी गुटों के समर्थन में कूद पड़ी। इस हमले का पलटवार करते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। इस हमले में भारत के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, एयर चीफ मार्शल पीसी लाल और एडमिरल एसएम नड्डा का विशेष योगदान रहा। इनके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल जेएफआर जैकब, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जनरल इंदर गिल, ब्रिगेडियर सुखवंत सिंह आदि ने भी विशेष भूमिका निभाई। 15 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेनापति जनरल एके नियाजी ने युद्ध विराम की प्रार्थना की और 16 दिसंबर 1971 को आमिर अब्दुल्ला खान ने 93,000 जी हां 93,000 पाकिस्तानी फौजियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह बांग्लादेश नामक एक नए मुल्क का उदय हुआ। यह युद्ध विश्व भर का दूसरा सबसे विशाल आत्मसमर्पण रहा। इस युद्ध के बाद भारत विश्व पटल पर एक शक्ति के रूप में उभरा और इससे भारतीय सेना का पुनर्जन्म हुआ। मात्र 13 दिन चलने वाला यह युद्ध इतिहास में दर्ज लघुतम युद्धों में से एक रहा। अब मैं अपने वक्तव्य का समापन